रामलाल आनंद कॉलेज नई दिल्ली ने यूनेस्को के सहयोग से अल्मोड़ा के सुंदरपुर में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट ने हिस्सा लिया, जिसमें कई एक्सपर्ट ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़े। कार्यशाला में एक्सपर्ट ने पर्वतीय भूभाग में जियो टूरिज्म को किस तरह बढ़ाया जा सकता है, इसको लेकर अपने विचार और सुझाव रखे। वहीं इस कार्यक्रम में उत्तराखंड समेत कई राज्यों के भू विज्ञान के शोधार्थियों और छात्राओं ने हिस्सा लिया। कि यहाँ पे जब लगातार विद्यार्थी आएंगे तो यहाँ पे लोगों को कुछ रोजगार मिलेगा, और साथ साथ जो होम स्टे ओनर हैं उन लोगों को भी यहाँ पे एक आमदनी का जरिया होगा, और उनको यहाँ से कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, और यहीं पे उनको एक सम्मानित जीवन और एक वही जीवन जो दिल्ली में या किसी अन्य क्षेत्र में मिलता है, शायद उससे भी अच्छा जीवन उनको यहाँ पे मिलना शुरू हो जाए। और एक बात और होगी कि इसमें धीरे धीरे इस क्षेत्र में, क्योंकि पहाड़ में बहुत ही विरासत है, तो यूनेस्को और अन्य संस्थाएं भी इसको एक ग्लोबल पार्क का रूप देने में इस कॉन्फ्रेंस का जो आपने देखा होगा मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो टूरिज्म के अलग अलग विधाएं होती है, जिसमें आप लोग जानते हैं कुछ टूरिज्म यहाँ पर बहुत फेमस है, जिसमें आपका रिलीजियस टूरिज्म है जिसको आप तीर्थ यात्रा वगैरह बोलते हैं, या फिर कॉमर्शियल टूरिज्म है, लेकिन इन सबसे पर्यावरण का भी नुकसान होता है। तो इसको देखते हुए ऐसा सोचा गया कि कुछ अल्टरनेट किया जाए, कुछ ऐसे विकल्प हो जिनमें हम अलग अलग क्षेत्रों को, जो खासतौर पर पिछड़े क्षेत्र है जहाँ पर अभी तक विकास नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पर किसी इस तरह का टूरिज्म की व्यवस्था हो जो उस एरिया के लिए स्पेसिफिक हो। तो ये जियो टूरिज्म एक नई चीज़ है। एडवेंचर टूरिज्म आपने सुना होगा, लोग हिमालय में चढ़ते हैं पहाड़ों पर, हिमालय में बहुत सारे लोग स्टडी करने के लिए भी आते हैं एजुकेशन के लिए, तो ये एक एजुकेशन टूरिज्म का भी पार्ट है, और इसको हम शिक्षा से, जागरूकता से और साथ साथ में उनकी आजीविका से जोड़ने का